किसे बोलते हैं गांव देहात की देसी मटर मशरूम की सब्जी। काकड़ी चाय बन के तैयार हो चुकी है, ये लोग ऐसी पी लो। नहीं पियोगे क्यों? आंसुओं से रो रहा है मेरा बेटा, ना मेरा लाल। हेलो जी, सभी के लिए राम राम जी। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, अभी दोपहर के बज रहे हैं, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आप देख लो मौसम आज बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं तो बादल पूरे दिन लगभग 15-20 दिन तो रहेगा ही, और कोहरा पड़ता है, बादल हो जाता है, तो आज मौसम बहुत ज्यादा ठंडक है। तो दोस्तों, अभी थोड़ी नीरज जी ठीक तो हो गई है, लेकिन अभी भी ये लोग बिस्तर से नहीं निकल रहे हैं। देख लो, इसका मन करता रहता है सोते रहो सोते रहो। तो नीरज जी की फरमाइश है कि अदरक वाली चाय पिए निकले हैं। तुम पियोगे सम? अदरक वाली चाय पियोगे? चलिए दोस्तों, इनके लिए पहले चाय बना देते हैं, फिर ये बनाएंगे आज मशरूम की, देसी मशरूम की सब्जी। तो फाइनली दोस्तों, हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। ये देख लो दोस्तों, मेरे हाथ की चाय गर्मा गर्म, काकड़ी चाय बनकर तैयार हो चुकी है, ये लो ऐसी पी लो। तो ये लीजिए जनाब अपनी काकड़ी चाय, वेलकम। जसन, तुम नहीं पियोगे चाय? नहीं पियोगे क्यों? अरे रोने लगी। क्या हो गया? अरे देखो कितना ज्यादा रोने लगी। नहीं, मेरे बेटा को देंगे हम चाय, अपने बाबू को देंगे अभी करके। ले अपनी, ले अपनी चाय। ना मेरा बेटा, ये गर्म थी इसलिए नहीं थी हमने। लो, आंसुओं से रो रहा है मेरा बेटा, ना मेरा लाल। चुप चुप जा, चुप। दोस्तों मस्त चाय पी ली है, अब यहाँ पे नीरज जी और सभी लोग यहाँ पे काम पे लग गए हैं। ये देख लो, जसन भी, पिंकज यहाँ पे मटर नुका रही हैं, और यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे मशरूम को काटने की तैयारी कर रही हैं, साथ में यहाँ पे लहसुन को छील रही हैं तड़के के लिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे मसाले की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो देसी तरह से यहाँ पे मसाले बटे जा रहे हैं, यहाँ पे ना मिक्सी ना कुछ भी, सिर्फ सलौटा बटने से मसाले बटे जा रहे हैं। और यहाँ पे मसाले में यहाँ पे प्याज लहसुन और हरी मिर्चें ली हैं। तो अभी दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी मटर मशरूम यहाँ पे तड़का सबको तैयार हो चुका है, और नीरज जी यहाँ पे तेल लगा दिया, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि नीरज जी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसी चक्कर में जल्दी जल्दी बना रही है, और मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है सच में। तेल यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है, अब नीरज जी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लहसुन का जो पेस्ट है वो दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लहसुन और अदरक यहाँ पे दे दीजिए, अच्छी तरह से इसको भूनना है। तो लहसुन यहाँ पे हमारा भून चुका है, अब यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे जो हरी मिर्च है प्याज यहाँ पे ये भी दे देंगी। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारी हरी मिर्च और प्याज कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नीरज जी बना रही हैं। ये देख लो दोस्तों, तड़का यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी तरह से इसको तैयार किया जाता है, अगर तड़का तैयार नहीं हुआ तो यहाँ पे मशरूम भी अच्छी नहीं बनेगी। तड़का दोस्तों यहाँ पे अच्छी तरह से भून रहा है, अब नीरज जी यहाँ पे जो मसाले हैं ऊपर यहाँ पे वो डालेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मिर्च डालेंगी, मिर्च और यहाँ पे नमक हल्दी सारी चीज यहाँ पे डाल के तो पेस्ट इसमें लगाएंगी। तो पेस्ट बना के नीरज जी ने यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दे दिया, अब इस अच्छी तरह से इसको यहाँ पे पकाना है सब्जी की तरह। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी लगा देना है ऊपर से, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी नीरज जी ने लगा दिया है। अब यहाँ पे ये गाढ़ी ग्रेवी बन चुकी है, अब इसको लगभग 2-3 मिनट पकाना है अच्छी तरह से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मसाले ने हमारे ने तेल छोड़ दिया है, ये देख सकते हो दोस्तों हल्का हल्का यहाँ पे बबूला आ रहा है, और यहाँ पे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब यहाँ पे नीरज जी यहाँ पे जो मशरूम है वो दी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो देसी हमारी मशरूम है इसमें नीरज ने डाल दी है। अच्छे तरह से यहाँ पे इसको भी मिलाना है मशरूम को, ये देख सकते हो दोस्तों नीरज जी यहाँ पे जैसे मिला रही है, जैसे ही यहाँ पे आपको भी अच्छी तरह से मिलाना है अगर आप अपने घर पे मशरूम बनाना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों सरसों सर्दियों की बहुत ही ज्यादा मस्त यहाँ पे सब्जी होती है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लगती है। अब यहाँ पे हमारी जो मटर रह गई वो भी नीरज जी ने यहाँ पे डाल दिए, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मटर आ गई, मशरूम आ गई, सब कुछ इसमें पड़ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी लगभग 5-6 मिनट के अंदर यहाँ पे मटर मशरूम की देसी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी, देख सकते हो दोस्तों क्या ही मस्त देखने में लग रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप इसने पानी छोड़ दिया है, इसका मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे ये मिल गई है और पक रही है। तो अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिया जाएगा, जितना यहाँ पे हमें ग्रेवी चाहिए उतना यहाँ पे पानी दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन देखने में लग रही है अभी से ही, तो ये बनने के बाद कितनी बेहतरीन लगेगी आप समझ सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हो दोस्तों क्या ही मस्त यहाँ पे मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार हुई है, ये देख लो दोस्तों। इसे बोलते हैं गांव देहात की देसी मटर मशरूम की सब्जी, ये देख सकते हो दोस्तों क्या ही मस्त लग रही है देखने में, बहुत ही बेहतरीन हमारी सब्जी बनी है। तो चलिए दोस्तों रोटियां बनवाते हैं जल्दी जल्दी, फिर खाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी थाली लग के तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खा रहे हैं। देखो जसन को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जसन कैसी लग रही है? लग रही है बहुत अच्छी, रूख ही खा रही है देखो, और पिंकस को भी बहुत अच्छी लग रही है। और अब यहाँ पे हम खाएंगे, चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसी बनी आज मटर मशरूम की सब्जी। यह आ गई हमारी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनी है, मजा आ गया, ठंड में मटर मशरूम खाने का मजा आ गया। तो आ जाइए दोस्तों, आप भी खा लीजिए,
बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने। तो चलिए दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कैसी हमारी मटर मशरूम की सब्जी बनी है और कैसी हमारी वीडियो लगी। और तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कर दो बाबू, बाय बाय कर दो, बाय बाय।